श्रवण कर रहे थे क्या भगवान है, इस विषय पर श्रवण कर रहे थे। कल का क्लास किसको थोड़ी बहुत याद है? किसको याद है? थोड़ी बहुत कोई बोल सकते हो? किसको याद है? तुम बोलो तो, तुम बोलो। कल क्या सबर की क्लास है? हाँ बोलो। इस नहीं अभी इतना जोर से बोलो।
क्या बताए, वो बात तो हो गई। और हमने क्या बताया था इसे? हाँ बोलो, तो फिर भी क्लास कैसे दे, ट्रांसलेस कर कर मशीनरी से ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये जो 6-7 क्लास है ना, इसको प्रिपेयर करके पूरा उसमें अंग्रेजी में भी क्लास है, सुबह अंग्रेजी में भी हिंदी में भी ये क्लास है, इसको से उन लोगों ने दिया है, इसलिए पूरा वो प्रोजेक्ट को साथ में सब सारी चीजें। पहले अभी वृंदावन में जाकर ऐसे नहीं, वृंदावन में बैठे कर खा पी कर सो करके आ गए, अभी जाकर के ना पूरा इसको प्रिपरेशन करना। मैं जब कुछ दिन बाद में आऊंगा, पहले तुमसे ये बात सुनूंगा, पूरा वो प्रोजेक्ट को साथ में मेरे यहाँ से ले लेना, ठीक है? वो अंग्रेजी में क्लास है, उसको पूरा दे करके इसको कॉलेज में, वो लोग कॉलेज में इस बच्चों को इसको क्लास देते हैं, जो अभी का जो लिखे बड़े हैं, क्योंकि यही लोग ज्यादा जितने लिखा बड़ा हो रहे हैं ना, उतना नास्तिक होते जा रहे हैं, उतना नास्तिक बनते जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए ये सब क्लास इन लोगों ने बनाए, जैसे इन लोगों के अंदर में भगवान की भक्ति की भावना कैसे इनको जागे। तुम ज्यादा भौतिकवादी हो जाते, ज्यादा भौतिकवादी हो जाते, अभी तुम जाकर के पूरा ये सब चीज को अच्छे तरह से पूरा प्रोजेक्ट के साथ में करना, ठीक? बोलो। कुछ भी ऐसा चाहिए जिससे कि उसकी बौद्धिक तृप्ति हो कि हाँ कि उसको समझ में कुछ आ रहा है, तब भक्ति भाव नहीं है, लेकिन उनको तर्क करके समझाना समझना ही ज्यादा सही लगता है, तब वो मानते हैं कि डार्विन की थ्योरी जो बताई जा रही है आजकल पढ़ाई गई हम लोगों को सबको, जिसमें कहा गया कि बंदर से मनुष्य बना दो, और इस बात को बयान के डार्विन को रेशनलाइज किया था वहाँ की गवर्नमेंट ने कि नास्तिक बनाना, क्योंकि भावना में ज्यादा रहेंगे तो हो सकता है कि हमारा वर्चस्व कम हो जाए। राजा रेणुकुश था उस समय, उसने कहा कि हमें सिद्ध करना है कि मनुष्य बंदर से उत्पन्न हुआ है, तो इसमें नास्तिक होंगे लोग और हमारा भय कायम रहेगा। दूसरी बात ये कि आज का साइंस की वजह से ही मनुष्य को, तीन बातें आपने बताई थी कि प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही बहुत सी चीजों को मानते हैं कि हाँ जो हम आंखों से स्पर्श कर रहे थे, अनुमान प्रमाण जैसे कि रात के समय जा रहे हैं अचानक पैर पड़ गया रस्सी पे तो ये लगा कि अरे तो सांप है। दूसरी चीज शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण जैसे हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्र जो प्राचीन काल से चले आ रहे वैसे की वैसी ही है, आज दिन तक हमें कोई फेरबदल नहीं हुई। बाकी जितनी थ्योरीज आई लेमार की, डार्विन की या किसी की भी, उसको बहुत सारी फेरबदल भी हो चुकी है, जैसा जैसा समय होता है उसके अनुसार वहाँ के गवर्नमेंट या जो वहाँ के लोगों का प्रभाव ज्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको फिलोसफी को चेंज कर लेते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसे हैं जो जैसे अनादि काल से चले आ रहे हैं आज भी वो वैसे ही हैं, और हमारी उत्पत्ति किसी बंदर से नहीं है, क्योंकि हमारा फेस भगवान से मिलता है, अगर फोटो भगवान की देखे तो उससे हमारा चेहरा मिलता जुलता है, ना कि बंदर से। अगर बंदर से उत्पत्ति हुई तो बीच का जो समय, बीच का जो भाव था कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि भाई लंबी पूछ छोटी पूछ छोटी पूछ, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग देश के अलग अलग चेहरे मोहरे के लोग भी होने चाहिए थे, अगर वो प्रोसेसिंग में चल रहे होते, उस विकास में चल रहे होते, लेकिन चूंकि विकास एकदम से हुआ ही नहीं है इस तरीके से, तो इस बात को भी सिद्ध करता है कि ऐसा नहीं है। सेकंड और चीज बताइए, जो प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष ये, जैसे कि हम कभी जा रहे होते हैं गर्मी में तो दूर से ये लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन नजदीक पहुंचते थोड़ा पानी नहीं है। इसी प्रकार किसी बीकर में कोई स्टिक डाली उसमें कलर डाल देते हैं, उसे ये लगता है कि स्टिक दो भागों में, लेकिन वो स्टिक सिंगल होती है केवल, प्रत्यक्ष प्रमाण में। और बताए जैसे कि शब्द, पांच इंद्रियां, शब्द रस रूप रस गंध, इन पांचों से एक एक जानवर उदाहरण जैसे कि शब्द से हिरण मरता है, शब्द जाल में मरती, कहीं से लगता है कि कहीं सुनता बांसुरी की आवाज है, शिकारी उसके लिए जाल बिछा के रखते हैं और वो सुंदर ध्वनि सुन के उस तक पहुंचता है, लेकिन वो वहां फंस जाता है। स्पर्श से किस प्रकार जीव मोहित होता है कि जैसे हाथी, हाथी और हाथी का होता है उदाहरण दिया कि हाथी को उसके सामने इस तरह से करते हैं कि वो हाथी उसके मतलब हाथी का प्रभाव से हाथी पर मोह में फंस करके वो गड्ढे में गिरता है, शिकारी इस तरह से उसको फंसाता है हाथी को कि जहाँ पे हाथी मारता वहां पर गड्ढा हुआ बड़ा कर देता, ताकि हाथी उसकी तरफ जाएगा हाथी से संसर्ग के लिए और वो गड्ढे में पैर गिर पड़ता है। इस तरह से
आंखों से पता है, जैसे पतंगा रात के दिया जलता है, फड़फड़ाता हुआ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि जो दिया था, जो लौ जल रही है, उसे जला भी सकती है, लेकिन वो उससे पास जाता है, उससे आकर्षित होता है और वो मर जाता है। भावरा, भावरा फूल के सुगंध से इतना मोहित रहता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि सूर्यास्त होने वाला और कमल की पंखड़ियां बंद होने वाली है, और वो उसके अंदर बंद हो जाता है और इस तरह अपने प्राण त्यागता है। लेकिन मनुष्य के उदाहरण दिया कि मनुष्य ऐसा है जो पांचों इंद्रिया एक संग प्रयोग करता है, कहीं आंख से, कहीं नाक से, कहीं अच्छा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, सुनने को अच्छा म्यूजिक चाहिए जैसा पसंद करता है, शारीरिक सुख ही चाहिए, कंफर्टेबल जगह पर बैठा हो, कोई कष्ट हो, जीभ के लिए बहुत अच्छा चाहिए, इस तरह से मनुष्य पांचों इंद्रियों का उपभोग करता हुआ एकदम से मरता है, क्योंकि वो भगवान से दूर है। दूसरी चीज ये है कि आनंद हमें बाहर कहीं नहीं, आनंद हमारे अंदर है, और इसीलिए हम उस परमानंद के अंश हैं, क्योंकि हम हर्ष में आनंद की तलाश में रहते हैं, हर्ष में आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन आनंद को हम लोग ढूंढते गलत जगह पर है, इसीलिए दुखी रहते हैं। अब लोग भी देखो, दुनिया की बात हो ना, इतना घंटा घंटा तक हम बोलते रहते हैं संसार की। 50 साल पहले हमने क्या बताया था, क्या किया हुआ था, उसको भी हम बोल देते हैं, लेकिन इसलिए वो दुनिया की बात से कोई लाभ नहीं है। लाभ है जब हम भगवान की बात सुने, जब हम ठाकुर जी की बात सुने, उसमें लाभ है। इसलिए अब लोग कोशिश करना है, आपका अड़ोसी पड़ोसी जो होएगा, आपका जो दोस्त होएंगे, उसको कोशिश करना भगवान की बार में बताने के लिए, दुनियादारी के बारे में बताने के लिए नहीं, ठाकुर जी के बारे में उनको बताने के लिए कोशिश करना, फिर उसके ज्यादा लाभ है। कल मैंने ये बताया था, अगर एक व्यक्ति को भगवान की भजन में लगाने का क्या लाभ है, जो भगवान की भक्ति में जब हम एक व्यक्ति को लगाते हैं, साधारण व्यक्ति हम कहते हैं हरिनाम करो भक्ति करो, लेकिन साधारण लोग कहते नहीं, आप तो कोई दान पुण्य की बात नहीं करते हो, हैं आप दुखी दरिद्र की सेवा की कोई बात नहीं, आप कहते बोल भजन करो, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। मैंने इसी विषय को समझाने के लिए एक स्टोरी बताया था, किसको याद है, किसको याद है बोलो, किसको याद है, किसको याद नहीं, आपको याद है, आपको याद है, तुमने कथा भी थी कल, बताओ, हाँ तुम्हें बताया था ना, एक पिताजी उसको बच्चे को लेकर के मेला देखने के लिए, याद है क्या क्या मैंने बताया था, बताओ तो, और किसको याद है बोलो, ये इसको तो याद, ये तो बोल देंगे, लेकिन जो नए व्यक्ति को ही बोला, हाँ खड़े भी बोला, सब लोग देखते हैं, लेकिन फिर कोई ना कुछ देख डरा देता, फिर थोड़ी देर बाद एक जो दीवान व्यक्ति आता, देखता की पिताजी की वजह से रो रहा है, उसके पिताजी को ढूंढना चाहिए, तो वो मेले में ढूंढ करके आगे बढ़ता, देखता वो अपने उसका बेटे का पिता जो ना, हाँ बेटा चिल्ला रहा था, तो समझ जाता बोले तुम्हारा बेटा खो गया, कहने लगा हाँ, उसके लेकर के बेटे के पास आता, जैसे ही बेटा उसको मिलता दोनों एकदम गले मिलते और शांत हो जाता, मतलब ये कि परम पिता परमात्मा ही हमारा पिता, वो इसको अगर मिला देता है दूसरे को तो वो परम आनंद की प्राप्ति करता, फिर उसकी जरूरत नहीं मिलाने वाले से ही। और इसलिए उसको कोई खिलौना देता है, उसको कोई मिठाई देता है, उसको कोई टफी देता है, लेकिन वो थोड़ी समय के लिए खुश होता है फिर दुखी, थोड़ी समय के लिए खुश होता है फिर दुखी, थोड़ी समय के लिए खुश होता है फिर दुखी, है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जगत में जैसे कोई कपड़ा नहीं, किसने आप कपड़ा दे दिया, लेकिन कब तक वो कपड़ा पहनेगा, दो दिन फट जाएगी, खाना दे दिया दो फिर तुमको भूख लगने लग जाएगी, मेडिसिन दे दिया लेकिन फिर बीमारी आ जाएगी, ये जन्म मृत्यु का चक्कर से जीव नहीं निकल सकता है। हाँ थोड़ी समय के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर वो दुखी दुखी होता है। इसलिए लेकिन यद्यपि इन लोगों ने दया की है बच्चे के ऊपर में,
लेकिन बच्चे के ऊपर में सबसे बेस्ट दया किसके हुई, सबसे बढ़िया उनको पर दया किसने किया है, जिसने उसको पिताजी को मिला दिया। तो उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, क्या होता है जो परम पिता जो परमात्मा भगवान है तो उनको साथ में हमारी मिलन हो जाता है, उनको साथ में हमारी, जब उनको साथ में मिल जाते हैं भगवान के पास में, वो हमारे परम पिता है, फिर क्या होता है, फिर जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए हमें मुक्ति मिल जाती है, चिरकाल के लिए। इसलिए कहते सबसे बड़ी दया है जो हमें ठाकुर जी को साथ में हमारा जो मुलाकात करते थे, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ दया उसकी मानी गई। ठीक है, हरे कृष्णा। आज हम लोग सुनेंगे हम कौन है, हम कौन है, वो आम आई ये क्लास का नाम है। इसमें एक उदाहरण देकर के समझाया का देखो, देखो जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो काम करने के लिए, सबसे पहले आपको पूछा जाता है तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, तुमने सीए किया ना इंजीनियरिंग की ना डॉक्टरेट की, पहले पूछा जाता है। फिर जैसे कोई सीए किया है फिर उसको वही सही नौकरी देते हैं, जो इंजीनियरिंग किया है उसको इंजीनियर का नौकरी देते हैं, जो डॉक्टरेट किया है उसका डॉक्टर का नौकरी देते हैं। अगर किसी डॉक्टर को उसको इंजीनियरिंग का नौकरी दे दो वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता, क्यों, उसने डॉक्टरेट किया है, वो इंजीनियरिंग किया ही नहीं। अगर इंजीनियरिंग कोई किया हुआ उसको सीए का काम दे दो वो कर सकता है, वो कर नहीं सकता है, वो जो है उसको वही काम उसको देना पड़ेगा तब वो काम को कर सकता है। इसलिए हम सबसे पहले हमें ये समझनी चाहिए हम कौन है, वो हमारे पहले सबसे पहले ये चीज को समझो। अगर ये चीज को हम नहीं समझेंगे ना फिर हम इधर उधर भटकते रहेंगे, आज उसकी पूजा करने करने जाएंगे शांति नहीं मिली, बोले चलो भैया वहां पर एक बहुत बड़ी देवी कहां से निकली है, चलो वहां पर, वहां भी काम नहीं बना, बोले हमने सुना वहां पर कोई एक देवता है वो जल्दी खुश हो जाते हैं, चलो हम उनके पास में गए वहां भी खुश नहीं होगा, वहां जाकर के फिर बोले नहीं मुझ तक जगह पर कोई बहुत बड़े बाबा आया है, हैं वो हाथ स्पर्श कराते ही बीमारी सही हो, बोले चलो वहां भागे। फिर हम है ना इधर उधर भटकते रहेंगे, इधर उधर हम भटकते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले ये समझे हम कौन है, प्रश्न है अरे हम है कौन, हम है कौन। तब हमारे भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को ये बात समझाते, अर्जुन ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो जीव है ना ममई वांस, जीव मेरा अंश है, हैं जीव मेरा अंश है, जीव मेरा संतान है, हैं। आप रामायण पढ़ो वहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय गोसाई बंधी मरकट कीट न्याई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो जीव कौन है, जीव ईश्वर का अंश है, भगवान जैसे चेतन जीव भी चेतनता है, भगवान जैसे पवित्र जीव भी पवित्र है, हा? भगवान से जैसे कोई महिला नहीं जीव में भी कोई महिला नहीं, हाँ उसका प्रोटीन में आनंद 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 ही है, है? लेकिन वो माया के संसार में बसीभूत हो गया, माया के बंधन में वो बंध गया। गोस्वामी तुलसीदास जी जीव कैसे बंधा उसका दो उदाहरण देकर समझाए, दो उदाहरण दिया है, बोले बंधी है मरकट कीट नाई, मरकट मतलब होता है बंदर। आप देखना है कि बैल या एक बंदर को कैसे पकड़ता है, वो क्या करता है बंदर को दूर से देख करके ना उसको सामने एक गड्ढा खोद देगा और उसका अंदर में एक कलसी काट देगा और कलसी का मुंह उतना बड़ा होता है केवल बंदर का हाथ केवल अंदर में जा सकती है, हैं? अंदर में हाथ केवल जा सकती है और अच्छे तरह से उसको नीचे अच्छे दबा देगा और उसको दिखा दिखा करके आलू और नहीं तो कोई एक फल उसमें डाल देगा, जब डाल देगा
डाल करके वो चला जाएगा। और बंदर तो देखा उसको सामने डाला हा? डाला वो फल को, इतने में वो बहेलिया जाकर के थोड़ी दूर में छुप कर बैठेगा। इतने में बंदर छलांग लगा कर गाएगा और उसका अंदर में हाथ डालेगा। डालते ही वो अंदर में जो आलू ये तो फल है ना, हाथ ऐसे पकड़ेगा, लेकिन वो मुंह उतना बड़ा होता है केवल उसका हाथ ही जा सकता, लेकिन जो हाथ ऐसे हो जाता है ना फिर उसको वो निकाल नहीं सकता, उसको अंदर से नहीं निकाल सकता है। लेकिन उसको ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे को कोई अंदर से मेरे हाथ को कोई पकड़ करके रखा, लेकिन उसका हाथ को किसने पकड़ा नहीं है, उसका हाथ नहीं को किसने पकड़ा, वो हाथ ऐसे करते ही फंस जाता है, लेकिन उसको लगता है जैसे किसने मेरे को पकड़ा, लेकिन किसने उसको पकड़ा नहीं। फिर तो चे 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 करना शुरू कर देता है। और फिर वो बहेली आएगा बांस गला में रस्सी बांध करके बांस ले जाएगा, डंडा मार मार करके सबके सामने बंदर नाच देखे ना, बंदर नाच उसका नचवाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ठीक उसी तरह जीव ये माया में फंसा हुआ, उसको किसने नहीं पकड़ा है, जीव को किसने पकड़ा नहीं है। तुम जा करके मुक्त होकर के प्रभु का भजन कर सकते हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे हमारा अभी बेटी है, अभी बेटा है, हमारा अभी बहू है, नाती है, हमारी ये है, हमारी ये है, अगर हम चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, हमको इन लोगों ने बांध दिया। तुम वही बांधना नहीं, अगर अभी तुम मर जाए क्या दुनिया नहीं चलेगी, बढ़िया से चलेगा, लेकिन हमने मान लिया हम इनको द्वारा बंधे हुए हैं, लेकिन तुमको कहीं बांधा नहीं। तुम इसकी मोह को छोड़ करके भगवान की भक्ति कर सकते हो, लेकिन तुम स्वयं बंध गए, तुमको किसी ने बांधा नहीं, छोड़ करके जा सकते हो, लेकिन हम संसार से नहीं जा पाते, ये बांध दिया वो बांध दिया उसकी वजह से किसी वजह से नहीं, तो स्वयं बंध पड़े हुए। दूसरा उदाहरण दिया कीट, कीट मतलब होता है तोता। तोते को कैसे पकड़ती है बहेलिया, वो क्या करते हैं ऐसे एक होता है उसके ऊपर एक अमृत फल डाल देते हैं, और ऐसे एक डंडा होता है, और जैसे बांस देखे होंगे ना वो बांस होता है, बांस का अंदर में एक लकड़ी रहता है, जैसे आप पंखा घुमाते हैं ना पंखा को ऐसे घुमाते हैं, जैसे उसका अंदर में पतला लकड़ी होता है और उसके ऊपर जैसे बांस का होता है उसको ऐसे लगा देते हैं। वो तोता आकर के उसके ऊपर बैठ करके जब फल खाने के लिए जाएगा वो झट वो बांस था ना वो इतने में वो झट नीचे झुक जाती है, वो झट और नीचे घूम जाती है, घूम जाने पर वो तोता एकदम नीचे लटक जाता है, लटकने पर उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा हाथ को किसने पकड़ करके रखा, नीचे झूल जाता है ना, उसको लगता है मेरे को हाथ को किसने पकड़ करके रखा जैसे, लेकिन उसका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, वो स्वयं पकड़ करके रखा। फिर वो टे 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 करने लग जाता है, फिर बेली आता है पास गला में बांध कर लेकर के उसको पिंजरा में बंद कर देता है, पिंजरा में। कहते ऐसे ही जीव, जीव को किसने बांधा नहीं, वो स्वयं को स्वयं बंध गया। अब बंद करके सोचता है अरे हम नहीं जाने से ये नहीं होगा, हमारा बहुत सारी काम है, अभी हमको जाना पड़ेगा। भैया तो किसने बांधा नहीं, तुम स्वयं बंधे हो, तुम स्वयं बंधे पड़े हुए, तुमको कोई संसार से बांधे नहीं है, इसलिए तुम मुक्त विहंग होकर के चिड़िया होकर के संसार से मुक्त होकर के तुम भगवान के पास में जा सकते हो, लेकिन जीव नहीं जा पाता, उस झूठी माया में जीव फंस जाता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हाँ जीव कौन है, बोले जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए हम कौन है, हम भगवान की संतान है, भगवान की संतान। जब भगवान की संतान है हमें क्या करनी चाहिए, बोले भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा पूजा भक्ति करनी चाहिए, इसी में ही शांति इसी में ही सुख है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ये शरीर क्या है, कहते बांसास जीर्णानि तथा व्याय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। कृष्ण गीता में उदाहरण देते हैं, कहते ये शरीर एक कपड़ा है, शरीर एक कपड़ा शरीर है, हाँ जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाए हम क्या करते हैं, पुराने कपड़ा छोड़ करके हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर जब पुरानी हो जाती है ये आत्मा क्या करता है, ये शरीर को छोड़ करके फिर वो दूसरे
शरीर में प्रवेश कर जाती है, आत्मा ही शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए जो आत्मा है, कृष्ण कहते अजो अपिसन अभय आत्मा, ये जो आत्मा है नहीं नम चिंतति शस्त्राणि नहीं नम दहति पावक न चैन क्लेदयते आप नहीं न सोचति मार्ग, कहते हैं अर्जुन ये जो आत्मा है छह विकार से ये अतीत है, अजो है, नित्य है, शाश्वत है, अमर है, अजर है, हैं? ये जो ऐसे ये आत्मा है इसको अस्त्र से काट नहीं सकते, हैं? ये पानी में भीगता नहीं, ये आग में जलती नहीं, हैं? ये आग में वायु में सूखती नहीं, ये नित्य शाश्वत ये आत्मा। अभी प्रश्न है फिर ये आत्मा हम क्यों नहीं देख पाते, ये आत्मा हमें क्यों दिखती नहीं? इसलिए शास्त्र ने बताया ये आत्मा इतने सुखमय है, कितने सुखमय है, बोले बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, ये आत्मा की जो परिमाण बताया जो बाल है उसका अग्रभाग को सभाग कर दो, बाल का अग्रभाग को सभाग कर दो, उसमें जो एक भाग होगा उसको भी सभाग कर दो, वो जितना सुखमय होता है आत्मा इतना सुखमय, इतने सुखमय आत्मा है। अब एक ग्लास पानी लो, एक ग्लास पानी लो, बिस्लरी वाटर लो, बोले ये पानी कैसा एकदम प्योर है, लेकिन आप अणुवीक्षण यंत्र से हैं, यंत्र से देखो एक ग्लास पानी को अंदर में इतने बैक्टीरिया होते हैं, ये पृथ्वी में भी इतने इंसान नहीं होंगे, पृथ्वी में भी इतने एक ग्लास पानी के अंदर में इतने बैक्टीरिया होते हैं, है? इसलिए आत्मा इतने छोटी है जिसको हम आत्मा को हम देख नहीं पाते क्योंकि छोटा है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का कहना है भैया जो चीज हम नहीं देखे कैसे हम मान सकते, जो प्रत्यक्षवादी होते हैं ना बोले बिना देखे ये चीज को कैसे मान देते, आप बोलोगे आत्मा 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 आत्मा, भैया मैं तो मानना नहीं चाहता, हम बिना देखे माने कैसे? हाँ कहते जगत में ऐसे बहुत सारी चीज है जो चीज को बिना देखे भी मानते हैं। आप बताओ हवा को देख रहे हो, हवा दिख रही क्या? नहीं दिख रही, लेकिन मानते कि नहीं हवा है, मानते हो? क्यों तो दिख नहीं रहा हमें, ये तो दिख नहीं रही, हम मानते कैसे? हाँ महसूस होता है, हाँ हवा लग रही है। अब गर्मी कोई चीज है, दिखता है कोई गर्मी कोई चीज है, दिखती है, लेकिन हम मानते कि नहीं गर्मी है, कैसे मानते हैं? महसूस करते हैं, भैया आज बड़ी गर्मी हवा लग रही है, बड़ी गर्मी हवा हमें लग रही है, हैं? ठंडा ठंडा दिख रहा है हमें, ठंडा दिखता है क्या हमें? नहीं दिखता है, लेकिन मानते नहीं ठंडा है कि नहीं, कैसे मानते हो? ये महसूस होता है, हमें महसूस होता है ठंडा कोई चीज एक है तब महसूस होता है। उसी तरह हमारे दो तरह का शरीर बताया भगवान, कहते स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर ये जो ऊपर से जो दिखती है किति जल पाप तो गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, जो ऊपर से जो शरीर हमें ये दिखता है जो पांच चीज को द्वारा बनी हुई है, मिट्टी जल वायु आकाश अग्नि, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर है, हाँ एक सूक्ष्म शरीर है। कहते सूक्ष्म शरीर चार है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये सूक्ष्म शरीर चार है। देखो सूक्ष्म शरीर चार कैसे बताए, हैं? आप बताओ मन कोई चीज अब है कि नहीं? मन बुद्धि अहंकार चित्त इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन कोई चीज एक है, क्या मन किसको दिख रहा है? लेकिन हम मानते कि नहीं मन है, हम कहते ना भैया इनका मन बड़ा पवित्र मन है, हाँ कहते नहीं इनका मन बड़ा पवित्र मन है, बोले दिखाओ कैसे मन पवित्र है, दिखाओ क्या खोपड़ी फाड़ करके दिखाओ, खोपड़ी फाड़ कर मगज निकालोगे दिखेगा वहां पर मन नहीं, लेकिन कुछ अनुभूति है उनकी जो व्यवहार है उनके व्यवहार से कहते भैया ये बड़ा पवित्र मन आदमी, इसको पवित्र मन का बड़े निर्मल आदमी बड़े अच्छे स्वभाव के, लेकिन हम इसको मानते हैं। बुद्धि
है, बुद्धि दिखता है, बुद्धि हमें, लेकिन हम मानते कि नहीं बुद्धि पे है। हम क्या कहते भैया, ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है। क्या इंटेलिजेंट कैसे दिखाओ, इंटेलिजेंट कैसे खोपड़ी फाड़ कर देखोगे? नहीं, उसका व्यवहार से। जब मार्क बढ़िया लाता है ना, अरे 100% उसने मार्क लाया, भैया ये तो बड़ा बुद्धिमान है, ये बड़ा बुद्धिमान बेटा। उसको कुछ इंगित लक्षण मन बुद्धि अहंकार, हम कहते ना भैया ये व्यक्ति तो बड़े अहंकारी है, हा? ये तो बड़ी अहंकारी उसके अंदर। लेकिन बोले दिखाओ कैसे अहंकार है, दिखा सकते हैं, लेकिन मानते हैं ये अहंकारी। क्यों मानते हैं? उसका व्यवहार से, उसकी व्यवहार से। इसलिए मन बुद्धि अहंकार और एक होता है चित्त, है वो चित्त बड़ा सूक्ष्म होता है, है ये चित्त। कहते ये चार ये सूक्ष्म शरीर है, नहीं देखने पर भी हम ये चीज को मानते हैं, है? मानते हैं। लेकिन इससे भी जो सूक्ष्म है वो आत्मा है, वो इससे भी सूक्ष्म ये आत्मा है। इसलिए आत्मा, अभी प्रश्न है ये आत्मा रहती है कहाँ पर, ये आत्मा रहती है कहाँ पर? कभी आत्मा हृदय में रहती है, आत्मा हृदय में। जैसे हम कहते हैं ना, हम उसको दिल से प्रेम करते हैं, बोलते ना कहाँ से प्रेम करते हो, दिल से, है कोई कह ना, कहते हम उसको हम दिल से प्रेम करते हैं। अगर कोई काम करोगे ना, काम किसने किया, छाती में हाथ ठोक करके, अरे हमने हमने ये काम तो किया ना, अगर हम नहीं होते ये काम थोड़ी हो जाता। ये इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, इतना लेट क्यों किया, तुमको लेट फाइन देना पड़ेगा, सामने आ जाओ, इधर सामने आओ। हम चाहते जितने टीचर लोग है ना, ये प्रोजेक्ट को साथ में पहले ही मदन मोहन गम सिखाएंगे, उसके बाद में इस बाद में हम चाहते हैं ना आप सबको ये सब क्लास सिखाएंगे। जैसे आप लोग हैं, एकदम सामने आ जाओ, इसलिए आप लोग है ना इन सब चीज वजह से प्रचार कर सके, हैं जीवों को जैसे भक्ति के बारे में जैसे उनको बता सकते हो, इधर आ जाओ। इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए हम क्या कहते हैं, मैंने ये काम की, कहां पर हाथ ठोकते हैं, कहां पर छाती पर हाथ ठोक करके, मैंने मैं अगर नहीं करता तो थोड़ी ये काम हो जाता, मेरे बच्चे से ये काम हुआ ना, है? इसलिए इसलिए आत्मा कहाँ रहती है, यदि आत्मा हमारी हृदय में रहती है। देखो और एक बहुत बढ़िया चीज समझा है, ये आत्मा नाम का कोई एक चीज है। देखो जैसे हम कहते ना कि हाथ किसकी है, मेरे हाथ है, नाक किसके है, मेरी है, और ये आँख किसके है, कोई क्या बोलता है, ये मैं हाथ हूँ, मैं नाक हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं सर हूँ, कोई बोलता है ना? क्या बोलते हैं, मेरी हाथ, मेरे आँख, मेरे कान, और मेरे कौन है, तो एक हूँ। तो ये चीज को समझो, मतलब ये बड़े बारीकी चीज को समझा रहे हैं, मेरे हाथ, मेरे आँख, मेरे कान, मेरे कौन है, किसके है, तो किसके किसके किसको लक्ष्य करते हैं, वो आत्मा को लक्ष्य करता है। हाथ प्यार नाक है ना, किसके हैं, तो आत्मा के हैं। और वो आत्मा जब चली जाए, आत्मा जब चली जाए फिर क्या होता है, ये शरीर को फिर कोई नहीं पूछते ही। तुम पहले स्नान करके जो शरीर को स्पर्श करते थे, अभी उसको स्पर्श करके तुम्हें स्नान करना पड़ता है, स्पर्श करते हुए तुम्हें स्नान करना पड़ता है। देखो आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक समय क्या हुआ, हमारे कार्तिक में हमारे मंदिर में ब्रजमंडल परिक्रमा हो रही थी, हम 84 रोज सब सब जगह से लोग आते हैं। एक पति पत्नी वो आए थे अमेरिका से, हाँ वो गुजरात थे, वो हमारे साथ में परिक्रमा कर रहे थे। माता जी का उम्र ज्यादा हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया, इतने में हमारे वृंदावन मठ में और उसी दिन ही हमारे परिक्रमा वहां से गोवर्धन चला गया। और फिर वो शरीर को, उसको बेटा था अमेरिका में, उसको बेटा ने फोन किया, बोले हमारे बड़े गुरु जी को, बोले महाराज जी मैं फ्लाइट पकड़ करके आ रहा हूँ और मेरे माता जी को, उस माता जी ने शरीर छोड़ी,
एक रात के लिए आप मंदिर में रोक लो, एक रात के लिए रोक लो, मैं कल सवेरे आ रहा हूँ लाइट पकड़ करके। नियम है ना, बच्चा है, अंतिम संस्कार करता है। अभी जिस रूम में वो माता जी सो रही थी उसका पति भी था, पति भी था, उसको बोले तुम इसी घर में सो जाओ। उसका जो डेड बॉडी थी कहाँ पर, पलंग के ऊपर में, बोले तुम नीचे तुम सो जाओ उस रूम में। बोले मैं नहीं सोता हूँ। बोले क्यों? बोले डर लगता है, मुझे डर लगता है। देखो कितना बड़ा आश्चर्य का चीज, जिस पत्नी को साथ में तो 60-70 साल के एक बिस्तरा में शरीर में शरीर को लगा कर तुमने सोया है, ऐसे कौन सा चीज थी तो शरीर को शरीर में लगा कर सोया था। अभी ऐसे कौन सा चीज चली गई उसको शरीर में शरीर लगाने का जरूरत नहीं, तुम थोड़ा अलग सो, तो सो नहीं पाया, वो सो नहीं पाया उस घर में। फिर वो बाहर में आया, बाहर में आकर कुछ रात भर नींद नहीं आया, क्यों? डर के मारे, उसको डर के मारे उसको नींद नहीं आई, उस डर के मारे। और उसी दिन हमारी परिक्रमा चली गई, हमारे मंदिर से केवल 5-6 संत रह गए थे मंदिर में। वो लाश है, वो लाश का वजह से ना कोई अपना अपना रूम में कोई सो नहीं पाए, घर में कोई क्यों लाश पड़ा हुआ है ना, कोई सोए नहीं। वो जितने संत थे वो एक रूम में रात में आ गए, एक कोई बोले हमको नींद नहीं आ रही यहाँ पर है, नींद नहीं आ रही है। वो सारे संत क्या होगा, एक रूम में आकर के वो सबके सब एक रूम में आकर के सोए। देखो शरीर में कुछ थी ना, जिस वजह से हम ये शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कार्य देखना, वही आत्मा जो चली जाती है देखना, उस शरीर को देखने पर हमें डर लगता है, भय लगता है, शरीर को देखकर देख कर हमें भय लगता है। तब से शरीर में कोई है कि नहीं, शरीर में कोई चीज थी कि नहीं, थी कोई शरीर में। इसलिए भागवत में बड़ा सुंदर एक स्टोरी आता है, बोले एक समय एक राजा था, उस नर का सुजग नाम का भी राजा था, वो बड़ा बलवान था, वो एक देश को दूसरे दूसरे को तीसरे सारे राज्य को जय करते करते जा रहा था। कहीं जहां एक सरे हो ना कहीं सवा सरे मिले जाते, सवा सरे कहीं मिली जाती। अभी दूसरे राज्य जब आक्रमण करने के लिए गया, सवा सरे वाला था, मिल गया, मिला तो घमासान उसकी युद्ध हो गई, घमासान लड़ाई हुई। लड़ाई करते करते वो था सवा सरे का, मारा तलवार उसको एकदम गला काट दी है, शरीर से सर का अलग कर दिया। अभी उसने बहुत राज्य को जय किया था, और जिस राज्य को जय करता था उसी राजकुमारी से शादी करता था। अभी उसकी बहुत ही पत्नियां हो गई और उसका बच्चे भी है। जब उसने शरीर छोड़ दिया, अभी उसको ऊपर में ओफन सफेद कपड़ा डाल दिए, अभी जितने पत्नियां बैठ करके रो रही है, और बच्चे उसको पिता माता रो रहे, कोई कहना मेरा बेटा चला गया, कोई कहता मेरे पति चला गया, कोई बोलता है मेरे पिताजी चले गए, सब रो रहे हैं। जब रो रहे हैं, अभी उन्हीं पत्नी को अंदर में ऐसे एक पत्नी थी जो प्रभु की भक्ति करने वाली, जिसकी गले में तुलसी की कंठी थी और जो तिलक लगा कर रहती थी, और वो क्या की थी, वो शरीर को स्पर्श करके ना वो वहीं पर बैठी हुई थी, वो वैष्णवी भक्ति करने वाली। इतने में जमदूत लेने के लिए आए, लेकिन उसको ले नहीं पाए, उसको ले नहीं पाए। क्यों? उनको याद है कभी अजामिल ने, कभी अजामिल ने जो अपना बेटा का नाम नारायण बुलाया था, उसी समय में बड़ा युद्ध हुई और विष्णु दूत ने जमदूत को मार मार कर वहां से भगा दिया। इसलिए उनका डर है जो भक्ति करने वाले जिनकी गले में तुलसी कंठी तिलक होगा वो कभी उनको पास में नहीं जाते। जब महाराज खुद मना किया उनको, कंठी तिलक देखोगे समझना कि ठाकुर का आश्रय की होगी, अगर जाओगे ना डंडा पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। जम स्वयं बोले अगर कोई पाप करेगा तो मैं विचार नहीं कर सकता, वो विचार केवल भगवान करेगा, मैं उसका कोई विचार नहीं कर सकता। मतलब इतने शक्ति गले में कंठी और ये तिलक धारण करने की, इतने इतने महत्व है। इसलिए जमदूत वहां से चले गई और जब महाराज को बोले, बोले महाराज हम नहीं ला सकते। बोले क्यों? बोले उनका पत्नी में एक भक्ति करने वाली, भजन करने वाली, वो शरीर को स्पर्श करके वहां बैठी हुई है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। इतने में जब महाराज ने एक छोटा बालक बन करके आए और वो सब रो रहे थे बैठ बैठ करके, बोले भैया क्या बात है, तुम लोग यहाँ बैठ करके रो रहे क्यों?
सब लोगों ने बोला तू बच्चा क्या समझ, हो जा यहाँ से, तू बच्चा ये बात नहीं समझोगे। वो बच्चा कहता है, जम सही बोला ना, यम थे, बोले मैं जो चीज को समझ रहा हूँ तुम लोग ये चीज को नहीं समझ रहे। बोले भैया ये छोटा बच्चा क्या बोलता है, कहता मैं जो चीज समझ रहा हूँ तुम नहीं समझ रहे हो। बोले बताए फिर क्या है। तब वो पूछा जब महाराज बच्चे बन करके, ये बताओ तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। बोले इसने मर गया है। ये क्या हो गया, मर गया। जब महाराज कह रहे मर गया, मतलब मर नाम का कोई एक स्थान, वो गया, अरे वो वापस आएगा, मतलब मर गया, मतलब मर नाम का स्थान में गया, अरे वो वापस आएगा। तब उनकी पत्नियां सब परिवार कह रहे, बोले इसलिए तो हम तुमको बोल रहे थे, तुम ये बात को नहीं समझोगे, हाँ तुम नहीं समझोगे। बोले ये जहां पर गया है ना, वो वहां से कभी वापस नहीं आएगा। बोलो जहां पर गया वापस नहीं आएगा। बोले नहीं, तो फिर तो रो रहे क्यों। जो व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा, जहां पर गया वो वहां से कभी वापस नहीं आएगा, फिर तू रो रहे क्यों, किसलिए रो रहे हो, बताओ क्यों रो रहे हो। तब उन्होंने बोला तुम अभी बताओ, इसी शरीर को कोई पति बोलता था, हाँ इसी शरीर को कोई बोलता था पिता, इसी शरीर को कोई बोलता था बेटा, आप जिस शरीर को बेटा पति हाँ पिता बोलते, तो वो शरीर तो ऑलरेडी यहाँ लेटा हुआ है। ये शरीर लेटा हुआ कि नहीं, इसके सिवाय और कुछ तुम लोग जानते थे क्या। बोले नहीं, ये शरीर तो यहाँ लेटा हुआ है, बात करो ना, बात करो इसको। बोले देखो इसकी जो आत्मा है ना, वो आत्मा चली गई। बोले ओ आत्मा चली गई। बोले हाँ। बोले आत्मा को देखा तुमने कभी। बोले नहीं, वो काला था ना सफेद था ना इतने लंबाई इतने चौड़ाई, देखा ही आत्मा को कभी। बोले देखा ही नहीं। बोले भैया जो चीज को देखा ही नहीं उनके लिए तो मूर्ख ही रोते हैं, वो मूर्ख ही रोते हैं। जो चीज को अभी तक तुम लोगों ने देखा था वो तो सामने पड़ा हुआ है, वो तो सामने है, हैं? फिर क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। जब उसने इस बात समझाना के लिए कोशिश किया ना, वो जो उनका पत्नी बच्चे वो आंख फाड़ फाड़ कर सुन रहे थे, ये बच्चा बोलता है क्या, ये तो कोई एक अलग बात बता रहा है, कहते ये तो कोई एक अलग बात भी ये बता रही। बड़े बड़े आश्चर्य होकर के सुने। बोले देखो तुमको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तो उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाया। बोले देखो एक समय की बात, एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे, दोनों बड़े प्रेम में रहते थे। अभी कबूतरी ने अंडा दिया, अंडा फूटने पर उसमें दो बच्चे निकले, बड़ी सुंदर उसमें दो बच्चे निकले। अब दो बच्चे निकले तो उसको पिता माता क्या किया, बच्चों को घोंसला में रख करके वो दाना चुगने के लिए गए, खाएंगे बच्चे के लिए ले आएंगे, हैं ले आएंगे। इतने में जाकर के जंगल में एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, एक बहेलिया ने क्या किया था, एकदम मोती जैसे चावल की दाना को उन्होंने वहां पर बिखरा करके रखा था और छुप करके बैठा था पेड़ के आड़ में और जाल बिछा करके, चिड़िया आकर खाएंगे तो उनको हम पकड़ लेंगे। इतने में क्या हुई, ओ तो कबूतर कबूतरी बैठी हुई, इतने में वो कबूतरी कबूतरी कहती है, बोले चलो देखो ये मोती जैसे दाना बिखर रहा है, चलो हम खाएंगे और बच्चे के लिए भी लेकर के जाएंगे। इतने में कबूतर कहता है सावधान मत जाना, ये थोड़ी कोई सेठ साहूकार यहाँ पर है और हमारे लिए ये मोती जैसे दाना को बिखर करके रखे, लगता है जरूर कोई बहेलिया हमें पकड़ने के लिए जाल बिछा करके छुप करके बैठा हुआ है, इसलिए मत जाया करो। इतने में वो पत्नी कहती है अरे पुरुष लोग ऐसे बोलते रहते हैं, अरे सामने बिखर रहा है इतने सुंदर मोती जैसे दाना खाओ और बच्चों को लिए लेकर के जाओ। पति मना करते करते ना पत्नी फर करके उड़ गई, बस वो दाना चुगने लगी। लेकिन सचमुच से वो बहेलिया छुप करके बैठा था जाल बिछा करके, जब देखा उसने दाना चुगना शुरू की, झट उसने जाल को खींच दिया तो झट क्या हुआ,
वो कबूतरी फंस गई, फंस गई तो अभी अंदर में रो रही है। इतने में जो कबूतर था फर्र करके उड़ते हुए आया, उड़ते एक अंदर में और एक बाहर में, दोनों चोंच में चोंच लगा करके सारे पूर्व पहले का जो स्मरण कर रहे हैं, हम कितने प्रेम में दोनों रहते थे, हैं कितने प्रेम में दोनों में आनंद में रहते थे। देखो ये काल की कराल गति देखो, अगर तू बच जाती ना तो बच्चे को तो तू पालना कर सकती थी, मैं तो पुरुष हूँ, मेरे को तो बच्चे को पालना करना आता ही नहीं है। देखो ये काल कैसे तुम्हें कैसे बसा दिए, अभी दोनों में चोंच में चोंच, क्योंकि बचपन में रहे दोनों पति पत्नी, अभी चोंच में चोंच लगा करके ना वो इतना बिहोल हो रहा था। इतने में बहरिया दूर में बैठा था, देखा वो तो उसका प्रेम में पूरा पागल पागल बन गया। इतने में उसके पास में धनुष तीर था, उठाया और खींच करके मारा, मारा तो जो बाहर था ना कबूतर उसका छेद को भेद कर गया। वो हंसता हुआ आया, दोनों का टांग को पकड़ा, पकड़ करके कांधे में लटकाया और लेकर के चला गया। जब महाराज जी कथा सुना रहे बोले खबरदार, जो गया तो गया, जो गया तो गया, और तुम लोग क्या कर रहे हो उसका प्रेम में और बैठ करके रो रहे हो। जो काल है ना वो ऊपर से देख रहा है, काल देख रहा है, उसको सुजोग मिलेगा ना, वो तो गया पर तुम सबको लेकर गिराएगा। जब वो सुना है ना, उसका जो परिवार थे झट दूर हट गए, वो शरीर से वो दूर हट गए, दूर हट गए। जब महाराज थे ना, उसकी जो एक पत्नी थी तिलक कंठी धारण की थी, वो दूर हट गई। बस इतने में जब महाराज उसको लेकर के चले गए। इसलिए यहाँ पर क्या देते हैं, हम ये शरीर नहीं, हम कौन है, हम ये आत्मा है। यहाँ पर तीन चीज को द्वारा समझाया, तीन चीज है कि तीन चीज, एक चीज बताया नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये साइंटिस्टों ने इसको रिसर्च किया। हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, एक है पास्ट लाइफ मेमोरी, और जो थर्ड है एंट्रा बॉडी ट्रैवल्स। ऐसे तीन साइंटिस्टों ने तीन चीज को समझाया, एंटायर बॉडी ट्रैवल्स, ये तीन चीज साइंटिस्टों ने रिसर्च करके देखा। एक है नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसका मतलब है कभी कभी कभी-कभी ये जर्मनी में एक घटना हुई है। जर्मनी में एक समय एक व्यक्ति के ऑपरेशन कर रहे थे, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, ऑपरेशन करते करते हठात उसने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया उसने बोल दिया इसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो शरीर नहीं छोड़ा था, वो जाकर के ना उस सूक्ष्म शरीर से ऊपर से सब कुछ देख रहा था। और उसको पास में डॉक्टर के पास में नर्स आनी थी, वो देखने बड़ी सुंदरी थी, उसने बोल दिया मर गया। वो जो नर्स थी वो उसको साथ में डॉक्टर जोकिंग कर रहा था, उसको साथ में जोकिंग कर रहा था। जब जोकिंग कर रहा था क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में फिर वो दोबारा जिंदा हो गया। जिंदा होकर के डॉक्टर को गाली देने लग गया, तू कैसे हो, एक इंसान का दायित्व तो तेरे ऊपर में जिंदा मरने का, और तुमने बोल दिया मैं मर गया तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो मेरे को बचाने के लिए, और ये नर्स को साथ में तो जोकिंग कर रहे हो। उसने कहा भैया तेरे को कैसे पता चला, बोला मैं मर नहीं गया था, मैं ऊपर में जाकर के सब देख रहा था, तू क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, मैं ये सारी चीज को मैंने देख रहा था। ऐसे ही बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, लगता है जैसे मर गया लेकिन ऊपर में जाकर के वो सारी जर्मनी का केस है, ऊपर में जाकर के सब कुछ देख रहा था ऊपर से। दूसरे चीज को बताया पास्ट लाइफ मेमोरी। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चार तीन चार पांच साल का लड़का वो पिछले जन्म का सारी बात को बताता है, वो पिछले जन्म की सब कुछ बात बताते हैं। आपको मैं एक दो चीज दिखाता हूँ, मैं इसमें ये आईपैड में ना ये चीज को रखा है, और जो पता है ना नियर डेथ एक्सपीरियंस, देखो एक मरा शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ऊपर में देखो, वो व्यक्ति ऊपर में जाकर के विदेश का केसेस है, वो कहां पर है उसको बताया, वो ऊपर में जाकर के सब कुछ देख रहा है, शरीर नीचे पड़ा हुआ, लेकिन वो व्यक्ति ऊपर गया, ऊपर जाकर के देख रहा है मेरा मरा शरीर कैसे पड़ा हुआ, लेकिन फिर वो दो बार मर जाता है, फिर दो बार आकर के ये शरीर में दो बार प्रवेश कर जाता है। देखो ये भी एक केसेस है, ये भी एक केसेस है,
देखो ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ये लड़की, ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी ये साइंटिस्ट ये लड़की है, है? इसने 300 केसेस को उन्होंने एकत्रित उसने की। जो कोई बेटा कभी कभी जन्म लेता है वो कभी कभी पूर्व जन्म की बात बताता है, मेरा घर वहां पर था, मेरे को ऐसे हो गया था, ऐसे था, ऐसे था ना, बहुत सारी ऐसे केसेस हम सुने होंगे। फिर ये जो साइंटिस्ट वो जाता है खुद, वो खुद जा करके वहां तलाश करता है क्या बात ऐसे है, उसे तुम सही लगता है नहीं, तो जो बता रहा है पूर्व जन्म की बात सही है। हाँ यहाँ पर देखो ये इसका नाम लिखी हुई वो लड़की शुक्ला है, ये लड़की ये पूर्व जन्म की सारी बात उसने बताई, पूर्व जन्म मैंने कहा था, क्या कर रहा था, कैसे मैंने क्या, सारी बात उसने, ये सारी बात भी लड़की ने पूर्व जन्म की सारी घटना को लड़की ने बताई, कहा मैंने थी, कैसे चली गई। आपको मैंने न्यूज पेपर से कुछ संग्रह किया आपको दिखाता हूँ, दो चीज दिखाऊंगा आपको। हाँ देखो आप लोगों को इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ न्यूज पेपर में, कहते पूर्व जन्म के पिता से मिलने पहुंची पूजा। देखो उसका ये न्यूज पेपर का है, पूर्व जन्म की पिताजी से मिलने गई पूजा। आप इसको लेकर पढ़ सकते हो, ये लड़की थी एक ब्रज में गांव है उसका नाम सेई, वो लड़की वही का थी। हाँ इसको आप लेकर पढ़ सकते हो हिंदी में, वो उसी गांव की ये लड़की थी। एक समय क्या हुआ, इसके पिताजी हैं क्या ब्रह्मा जी, भागवत में कथा थी ना, ब्रह्मा कृष्ण का बछड़े सखाओं को जिस गांव में छुपा कर रखे थे, अभी वो गुफा उसी गांव की थी लड़की। वो लड़की एक समय 10 उम्र की थी, उसको पिता उसको दिल्ली लेने के लिए गए, दिल्ली लेकर के जाने चाह रहे थे, जो दिल्ली का जो हाईवे है वहीं पर खड़ी थी ये लड़की। इतने में एक ट्रक आया, ट्रक आकर के लड़की को गोबर में चली गई, चली गई तो वो लड़की ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ करके लड़की फिर जन्म लेती है गिरिराज गोवर्धन को पास में एक गांव है, वो गांव का नाम भूल गया, वो गांव इसमें लिखा हुआ, वो गांव में फिर वो लड़की जन्म हुई। जब जन्म हुई, जब वो लड़की की थोड़ी सी होश आई ना, वो पूर्व जन्म की सारे बात बताने लग गई, मेरे गांव सही में मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे मैया का नाम ये, सब सब बताने बताने। उनको परिवार लोगों ने सोचा शायद कोई हवा फवा लग गया, तो उन्होंने ओझा पोझा को लेकर झाड़ फाड़ लगवाया, लेकिन बीच बीच में बोलती रही। एक समय क्या हुआ, फिर उनके परिवार में कोई एक व्यक्ति बाइक में जा रहा था और उसकी एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट होने पर उसका परिवार का व्यक्ति चाचा बचा कोई मर गया, मर गया तो उसको पता चला ना, वो इतने मचल गई, बोले मेरे चाचा मर गया, मैं घर में जाना चाहता हूँ, मेरे को ले करके चलो। वो मचल गई तो पूरा, बोले ये क्या बोल रही मेरे गाँव की। तब उसको पिता माता उसको लेकर के गए, वो लड़की गिरिराज गोवर्धन से वो दिल्ली रोड का बीच में सही है, उसको लेकर के सीधा अपना गांव पर गई, सीधा लेकर गई और बोले ये मेरे पिताजी ये मेरे भैया, पिताजी को सारी बात बताए, बोले मेरे को अब दिल्ली ले जाने के लिए मेन रोड में मैं खड़ी थी, वो ट्रक ने मेरे ऊपर चला गया, मेरा नाम तुलसी, पहला नाम था इसको तुलसी, मेरा नाम तुलसी है। बोले हाँ ये तो मेरी बेटी, ये तो मेरी बेटी। सब गाँव के लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए, आई पूर्व जन्म का जो बेटी कैसे दोबारा सुने कैसे दोबारा लिया है, हैं? आप इसको लेकर के आप पढ़ सकते हो, इसको डिटेल से पूरा लिखा हुआ है। आपको और एक दिखाता हूँ, ये पेपर में देखो, ये एक ये बूढ़ी माता जी है, हैं? बूढ़ी माता जी है, क्या नाम लिखा हुआ, सुखी। हाँ सुखी, हाँ इसको सुखी को गलती से ले गए जमतूत, इसका हेडिंग है। ये जो घटना है आगरा के पास में, आप इसको लेकर पढ़ सकते हो, सारे सारे डिटेल से बताया। ये बुढ़िया जब शरीर छोड़ दी, इतने में अब पूरा गांव वाले इकट्ठे हो गए उसको जलाने के लिए ले जाएंगे, पूरा गांव वाले इकट्ठे, उनके परिवार लोग आए, लेकिन 3-4 के बाद में फिर दो बार बैठ गई, दो बार फिर जग गई। जब जग गई लोग बड़े आश्चर्य हुए, ये तो मर गई थी जग गई कैसे, उसने बताए उन्होंने सारी घटना बोली कि 2-3 पहले मैंने देखा 2-3 व्यक्ति टोपी पहन करके आए और हठात मैंने देखा, फिर देखा वो कहीं गायब हो गई, मैंने सोचा कोई भ्रम होगा मेरे मन में, लेकिन देखा फिर 3 बाद में फिर वही आई,
और मेरे को बड़े पिटने लगे, मारने लग गए। मैं चिल्ला रही थी बचाओ, लेकिन मेरी बोली कोई सुन नहीं पाता था, क्योंकि जब कोई मरते है ना, हम जो कर्म काय मन भाग्य से करते, तीन जमदूत लेने आते हैं, फिर जब ले जाते कैसे ले जाते दूसरों को पता नहीं चलता है, उसको मारते हैं पीटते हैं। क्यों? जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है, जिनके गले में तुलसी कट्टी और तिलक नहीं, डंडा तो पड़ेगा, चाबुक तो पड़ेगा। अब उसको तो मैंने बताया ना, जो बैतरणी नदी आप पढ़े होंगे, जिसमें टाटी पेशाब घोल, तुम्हें पार करना पड़ेगा उसको। आप लोग सुने होंगे मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते हैं ना, उसमें सब डिटेल से आता है, कैसे कैसे जीव कैसे कैसे गति करती है। लेकिन कंठी तुलसी माला रहेगा तो अब कभी कभी ये बैतरणी नदी पार नहीं करोगे, कभी तुम्हें जमदूत कभी लेने नहीं आएगा, विष्णु दूत तुम्हें लेने आएंगे, विष्णु दूत तुमको लेने के लिए आएंगे। इसलिए वो कहती है, मेरे को मार पीट गया, मैं चीख रहा था लेकिन कोई मेरी बोली नहीं सुन रहे थे, और मेरे को पकड़ करके ले गए। जब ले गए कोई कोई अलग कोई राज्य में, देखा वहां कोई बूढ़ा बैठा हुआ, काले रंग का बूढ़ा बैठा हुआ, वो जब महाराज थे। वो जब महाराज बोले, तू किसको ले आए हो? अरे ये नहीं, वो गांव के और दूसरे व्यक्ति है, तुम गलती वापस उसको देकर के आओ। कहते उन्हीं से मेरे को धक्का मार दिया और मेरे नीचे लग गया, बड़ा दर्द हो रहा है। फिर देखा उसी गांव का और एक बुढ़िया मर गई, क्योंकि जिसको लेना चाहिए था ना उसको नहीं लेकर गलती से, इसको गलती से ले गए थे, फिर उसको वापस लाए, फिर उसने उसी गांव में और एक माता जी शरीर छोड़ दी। हाँ, ये दो केसेस है, मैंने पेपर से मैंने संग्रह करके, उन लोगों का कभी कभी पूर्व जन्म की बात है ना, उनको विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। इसलिए जमदूत कहते हैं, हम इसी जीवन में तीन जन्मों के बाद को पता लगा सकते हैं। कितने जन्म? तीन। कैसे? देखो कैसे जब महाराज समझा रहे, हम तीन जन्मों को कैसे पता लगा सकते हैं? हमने पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किया ना, हमें ठीक वैसे परिवार मिलता है। एक को देखना, रिक्शा वाला घर में जन्म लेता है, दिन भर मजदूरी करते हुए भी खाना नहीं मिलता, लेकिन एक बेटा अगर कुछ बड़े धनी घर में जन्म हो गया ना, कुछ भी केवल उसको जन्म लेने का, जो रिलायंस कंपनी वाले अंबानी जैसे, टाटा बिरला, अगर घर में जन्म हो गया ना, उसको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सारे संपत्ति का मालिक वही बन जाता है। प्रश्न है, पर हम क्यों जन्म नहीं लिए, वो क्यों जन्म लिया, वो किस लिए जन्म नहीं लिया, हम क्यों जन्म लिया? अब देखना, किसी किसी की पत्नी इतनी अच्छी स्वभाव की होती है, इतनी अच्छी, जैसे मानव संख्या तो लक्ष्मी, ये किसी किसी की पत्नी बड़े लड़ाकू भी होती है, लड़ाई झगड़ा, किस किस का बेटा देखना इतने अच्छा, और किस किस का बेटा इतने दुर्दांत, इतने दुष्ट होता है, कहते हैं पूर्व जन्म का शत्रु जैसे ही बेटा बन कर जा गया। एकदम ये बात सही है, ये बात एकदम सही है, एकदम है। इसलिए किसकी बेटी, किसके बच्चे को देखना, बड़ी पढ़ाई, एक पिता की चार बच्चे ही, देखना चार बच्चों का नेचर अलग है, किसी बच्चे को साथ में किसी बच्चे का नेचर नहीं मिलेगा। एक बेटा तो इतने इंटेलिजेंट और एक बच्चा इतने गधा है, वो पढ़ता नहीं, क्यों ऐसे होता है? एक क्लास है, स्टूडेंट बैठे हुए, उसमें कोई फर्स्ट डिविजन, कोई सेकेंड डिविजन, कोई थर्ड और कोई फेल, क्यों? कारण क्या? ये पूर्व जन्म का कर्म का फल है। हमने जैसे जैसे कर्म किया, हमें ठीक पत्नी ऐसे, बच्चे ऐसे, पैसा ऐसे, घर ऐसे, मकान ऐसे और दुकान वैसे भी मिलता है, एकदम थोड़ी सी भी नेक सभी इधर उधर नहीं होता है। आप इतना लोग यहाँ पर बैठे हो, सबको समस्या पूछो, अलग अलग है सभी की समस्या, एक समस्या किसी की नहीं है, एक तरह का किसी का भी, किसका नेचर। अब देखो यहाँ कितने लोग बैठे हैं, किसका चेहरा से किसका चेहरा मिलता है, मिलता है। संपूर्ण भारत को ढूंढ लो, एक चेहरा दो व्यक्ति का नहीं देखा, सभी का अलग। बोले क्यों? जैसे हमने कर्म किया है, हमारा नेचर भी वैसे, चेहरा भी वैसे, सारे चीज ऐसे मिलते हैं। मतलब एक जन्म से पूर्व जन्म का बात पता चल रहा है, फिर नेक्स्ट जन्म, अभी दो जन्म की बात हमें पता चलता है, पूर्व जन्म तक ना हमने ऐसे कौन सा पाप किया, हमें ऐसे कर्म भुगतना पड़ता है, बोलते हैं ना। अभी दो जन्म की, अभी तीसरे जन्म कैसे पता चलेगा? बोले इसी जीवन से ही आपको तीसरी जन्म की बात पता चल जाएगी। अगर है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे, किसको सताओगे नहीं, किसको दुख कष्ट नहीं, तो अच्छे फिर क्या होगा, अगली जन्म तुम्हारी बढ़िया जाएगी, बढ़िया अच्छे तरह से आएगी। अगर इसी जीवन में चोरी, गुंडा, बदमाशी, दुष्टता करोगे तो
अगले जीवन में ठीक वैसा हमारी तुम्हारी जन्म होगा। एक समय दो भाई थे, वो काशी पढ़ने के लिए गए यूनिवर्सिटी में। उनने 25 साल तक सारे चीज को पढ़ते पढ़ लिया। वापस आ रहे थे गांव में, एक गांव में रुके, कल से हम चलते हुए जाएंगे। वो कोई संत का आश्रम था, ऊपर एक संत और उनके शिष्य रहते थे, वो नीचे घर में रुके। और उधर से ही जब मरते हुए लोग ना उधर से पार करते हुए ले जाते जलाने के लिए, रात को बीच में बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। एक आदमी को लेकर गए ऊपर, जो गुरु चेले थे ना, गुरु जी चेले को बताया, बोले भैया जाओ जाओ देख कर आओ तो ये बेटा स्वर्ग गया ना नरक गया। वो गया, थोड़ी देर बाद में आ गया, बोले गुरु जी ये स्वर्ग में गया। वो जो दो भाई नीचे रहते थे, बोले भैया इसको कैसे पता चला स्वर्ग में गया, हम तो 25 साल तक यूनिवर्सिटी में सारे विद्या को पढ़ते पढ़ते आए काशी में बनारस में, हमें पता नहीं चला इसको कैसे पता चला स्वर्ग में गया। बड़े आश्चर्य हुए। थोड़ी देर बाद में फिर व्यक्ति को राम नाम सत्य करते करते ले गए। गुरु जी बोले बेटा इसको देख कर आओ तो कहाँ गया। वो गया, बोले गुरु जी ये नरक में गया है। दोनों भाई बोले भैया इनको कैसे पता चला ये स्वर्ग में गया नरक गया, हम तो सोच रहे थे सारे विद्या हम पढ़ करके आए, सारे विद्या पढ़ करके आए, लेकिन हमें नहीं पता चला इसको कैसे पता चला। वो रात भर दोनों भाई की नींद नहीं आई, क्या इसे कौन सा विद्या पढ़े, बोले स्वर्ग नरक में गए। इतने में दोनों भाई गुरु जी के पास में गए, बोले बाबा आपने कैसे बताया एक स्वर्ग में और नरक में गया, इसको कैसे पता चला, हम तो सब विद्या पढ़ करके आए हमें नहीं पता चला। बोले सीधी सी बात है, ये गांव में गया जो व्यक्ति बोले स्वर्ग गया ना, वो मरने का बाद सारे गांव बोले दुखी हो रहे थे, कितने अच्छा आदमी था, कितने परोपकारी, कभी किसको सताए नहीं, सबको मदद करता था, बड़ी सुंदर, सारे गांव दुखी हो रहे थे। इससे पता चला ये कहाँ गया, स्वर्ग गया। बोले दूसरे व्यक्ति नर्क गया, कैसे पता चला, जब गांव वाले सुना मर गया अच्छा हुआ, बदमाश मर गया, सबको सताया करता था, झूठ बेईमानी और सबको है सबको उल्टा उल्टा बोलता था, अच्छा हो गया मर गया, अच्छा हो गया ये मर गया, अच्छा हो गया गांव शांत हो जाएगी। इससे पता क्या चला, ये नरक गया है। इसलिए कहते एक व्यक्ति तीन जन्म की बात को पता लगती, इसको हो गया ये पास्ट लाइफ मेमोरी, जो थर्ड बताया एंटायर बॉडी ट्रैवल्स। आप लोग कभी कभी सुने होंगे योगियों का है, योगी लोगों को सुने होंगे, जैसे कहीं योग साधन में बैठ जाते हैं, शरीर तो यही रहता है लेकिन पूरा अपना आत्म शरीर से वो सारा दुनिया घूम घाम करके फिर आकर के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो योगी लोग है। हम चैतन्य महाप्रभु की भक्त का कथा सुना, हमारे महाप्रभु के भक्त थे जिनका नाम था श्रीनिवास, बहुत बड़े संत थे। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था रामचंद्र कविराज, उनका और भी शिष्य थे। उन्होंने शिष्यों को बोला था देखो बच्चों अगर मेरे शरीर में कोई विक्रिया देखोगे, मैं शरीर को जलाना नहीं, ले नहीं जाना, ये रामचंद्र कविराज है उसको बुला करके दिखाना। ऐसे नहीं मैं कभी कभी समाधि में बैठ जाता हूँ, कभी कभी समाधि में 8-10 दिन 15 दिन 1 महीना बैठ जाता हूँ, मेरे शरीर को इधर उधर नहीं करना। अभी क्या हुआ, वो समाधि में बैठी गए और बैठ गए तो शरीर में प्राण है जैसे मरा शरीर, लेकिन गिरे नहीं एकदम समाधि, लेकिन शरीर में जैसे कोई जान नहीं। तो उन्होंने शिष्य ने गए उनका जो विशेष जो चला था रामचंद्र के पास में, बोले तो गुरु जी कुछ दिन से ऐसे बैठे हुए शरीर में जैसे कोई जान नहीं। उन्होंने बताए थे तुम्हें बुलाने के लिए, तुम आओ देखो। वो आया, वो गुरु जी के पास में बैठ गया, बोले मैं गुरु जी को ढूंढने जा रहा हूँ, जब तक मैं नहीं आऊंगा हमारे दोनों शरीर को रखा देखते रहना। वो ध्यान में पास में बैठ गया और आत्म शरीर से चले गए। कहाँ चले गए, उनका गुरु जी वो गोलोक वृंदावन में गए और वहां पर राधा रानी अपना सहेलियों को साथ में जल विहार कर रही थी। जल विहार करते करते नाक का जो हीरे का जो बेसर था वो कहीं जल विहार करते करते नाक की बेसर गई, खो गई। खो गई तो इनका जो गुरुजी सखी थी है, सखी थी वो ढूंढ रही है बेसर कहाँ, क्योंकि अभी घर में वापस जाएंगे, सास ससुर देखेंगे भैया हीरे का बेसर कहाँ गया। इसलिए गुरुजी जाकर के वहां पानी के अंदर में ढूंढ रहे थे वो बेसर कहाँ पर गिरा। लेकिन वहां का समय यहाँ का समय में बहुत फर्क है, वहां तो थोड़ी समय यहाँ बहुत दिन है, इसलिए यहाँ बहुत दिन बीत गया अभी नाक की बेसर नहीं मिल रहा है।
अभी ये भी एक सखी है, ये भी चले गए वहां पर और जाकर वो भी उनको साथ में भी ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते इनको बेसर मिल गए। बेसर मिल गए तो बड़े प्रसन्न हुई, अपना गुरु जी को दिया, उनको गुरु जी, उनको गुरु जी को दिया, उनको गुरु जी, उनको गुरु जी को, फिर ललिता को पास में पहुंचा। फिर ललिता सखी ने राधा जी के नाक में ये हीरे की बेसर पहना दिया। राधा रानी इतने प्रसन्न हो गई, बोले कौन सा सखी को मिला, बोले कि नई सखी आई, बोले इसको लेकर गया। राधा रानी अपना जो उचिष्ट तांबूल पान की बिड़िया उनको दिया और उसको ऊपर सर पर हाथ रखते ही ना, ये दोनों जो गुरु चेला बैठे हुए थे ना, दोनों छलांग लगाए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भैया तुम कहाँ चले गए, क्या बात है? तो उन्हें सारी कथा सुनाए, ऐसे ऐसे हम गोलोक वृंदावन में गए थे, राधा जी के नाथ की बेसर खो गई। इसको कहते हैं जो योगी, जो योगी लोग हैं संपूर्ण कैसे इसी शरीर को रख करके आत्मा शरीर से कैसे वो दूसरे लोक में चले जाते हैं और वहां पर घूम घाम कर आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको प्रूव कर रहे हैं, नहीं आत्मा नाम का कोई चीज एक है, वो जब तक ये शरीर है तब तक ये शरीर चलती रहती है, बोलती है, करती है, लेकिन आत्मा जब शरीर से चले जाए, यही शरीर, यही नाक, यही आग, यही मुंह, पर ये शरीर कोई काम हमारी नहीं करता है। साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया है, कभी एक समय मरने से पहले कि कांच के अंदर में कभी शरीर को रख लिया, देखते ही आत्मा कहाँ जाती है, जो आत्मा की कांच अपने आप फट गई, अपने आप कांच फट गई। और उन्होंने देखा ठीक मरने से पहले शरीर को भोजन किया, कितना भोजन है, लेकिन जब शरीर छूट जाती है दिखाई पड़ता है, झट उसका भोजन कम हो जाती है। आत्मा जाने का साथ वो शरीर झट होता, अपने आप वो शरीर कम हो जाती है अपने आप। इससे पता चलता है हम ये शरीर नहीं, हम कौन है, हम ये आत्मा है, शरीर में आत्मा है, चलते बोलते खाते हैं, और वही आत्मा चली जाए तो ये शरीर को देखने पर भी हमें डर लगता है, भय लगता है। और 13 दिन तक हम अपवित्र रहते रहते ना, क्यों 13 दिन क्यों अपवित्र रहते, कि उसने, हम बोलते ना भाई वो चला गया, क्या बोलते हैं वे, कौन चला गया, हम बोलते ना भैया उसने चला गया, वो कौन चला गया, शरीर तो वहीं पर है, हाँ वो आत्मा चली गई, पास्ट पास्ट हुए कहते ना, वो पास्ट हुई है, कौन पास्ट हुई है, वो आत्मा चली गई, इसलिए शरीर में आत्मा है। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय। हाँ अब और एक चीज दिखा देता हूँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण दिया, इसमें बहुत कुछ दिखाया, हम चाहते हैं ना आप लोग इस चीज को अच्छे से सीखो, सीख करके आप लोग सब प्रचार करना, और साइंटिफिक रूप में बहुत चीज, यहाँ पर बहुत सारी चीज समझाए, यहाँ पर देखो ये भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ही है, ये शायद विदेश अमेरिका का, इसका भी बहुत सारा, क्या नाम है, देखो इसका नाम लिखा हुआ, इसने भी आत्मा संबंध में बहुत सारी चीजें बताया, ये बहुत बड़ा अमेरिका का साइंटिस्ट ही है। देखो ये अच्छी चीज यहाँ पर समझाया, देखो एक माता जी, देखो इसको, एक पिंजरा में एक तोता है, एक पिंजरा में एक तोता है। यहाँ पर एक बढ़िया शिक्षा दिया, अगर उसका पिंजरा को अंदर में जो तोता है, अगर तुम उसको खिलाओगे नहीं पिलाओगे नहीं, लेकिन पिंजरा को दिन भर तुम कलर करते रहोगे, पिंजरा को दिन भर तुम कलर करते रहोगे, फिर वो तोता क्या होगा, मर जाएगी ना, मर जाएगी। देखो
हम भी दिन भर यही करते हैं, हम भी दिन भर यही करते हैं, इसलिए हमें शांति सुख क्यों नहीं मिलता है। हम दिन भर जो पिंजरा है ना, ये शरीर पिंजरा है और तोता तो नहीं, आत्मा तोता है। हम क्या करते हैं, ये शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर सजवाएंगे, इसको स्नो पाउडर लगाएंगे, इसको ही बढ़िया साबुन से इसको स्नान कराएंगे, इसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा लता इसको पहनाएंगे, इसको खिलाएंगे, लेकिन असली रूप में हम जो तोता है उसको प्रति हमारे कोई ध्यान नहीं, वो तोता के प्रति हमारे कोई ध्यान नहीं। इसलिए हम सोचते हैं शायद ये शरीर जो टाटी पे सबका थली है, हैं, जो अधम शरीर है, हम सोचते हैं शायद इसको खिला करके ना, इसको ही पिला करके सुखी हो जाएंगे, नहीं, इसलिए हम सुखी नहीं होते। इसलिए कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई मन से दुखी, सब दुखी दुखी क्यों, कारण क्या? बोले कारण है हम इसके अलावा कुछ जानते नहीं। ये तोता कोई एक चीज है, ये परमात्मा कोई चीज, उसमें हमारा कोई ध्यान नहीं, इसलिए हम दुखी दुखी होते हैं। अगर तोते को अगर हम खिला रहे, तोते को अगर हम खिलाए ना, वहां से पिंजरा, फिर इसको कलर करो जो कुछ करो, लेकिन तोता को अगर नहीं खिलाते सब बेकार। तोते का असली आहार क्या है? भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति और भगवान के नाम। एक बार बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो लेकिन अभी जो नए नए सब लड़का लड़की है ना, उनको ये ग्रंथों पर में इतना विश्वास नहीं, उनको विश्वास है गूगल में, गूगल में थोड़ा ढूंढ ढांड कर कोई थोड़ी सी निकाल दिया ना, कहते बस यही सही और सब बेकार है। इनको भगवान की भक्ति में ना, इनको सहज में, लेकिन हैं तथा कथित हीरो हीरोइन इनको ऊपर तो बड़ा विश्वास इनका है। इनको ऊपर कोई अगर घंटे में पिक्चर आ जाएगा ना, बस 3 घंटा वहीं पर बैठ बैठ करके अपना समय को झूठ पिक्चर क्या बताओ, तो वो एक झूठा चीज को एक रूप कर दिया, एक अब तो कुछ नहीं। सब तो गूगल में इनका विश्वास है और बड़े बड़े साइंस है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं। इसलिए भक्ति एक साइंस है, भक्ति एक साइंस है। एक उदाहरण दिया है, देखो जो गीता भागवत ये हमारे पिता माता है, गीता भागवत हमारी पिता माता, उदाहरण दिया देखो, अगर इसको गीता भागवत लेकर चलोगे ना तभी हम संसार में शांति सुख रहेगी। उदाहरण दिया देखो, जैसे कोई मशीन निकलता है, वो मशीन को साथ में इसमें का मैनुअल भी होता है, लेकिन वो मैनुअल को कौन बनाता है? जो मशीन बनाने वाला। अगर वो मैनुअल को पढ़ करके मशीन चलाओगे तो मशीन बढ़िया चलेगी, अगर मनमानी मशीन चलाओगे तो मशीन खराब हो जाएगी। तो उसी तरह जब भगवान ये दुनिया को बनाया ना, उन्होंने एक मैनुअल भी बनाया, वो क्या है? गीता है, भागवत है, रामायण है, महाभारत है। देखो बच्चों, अगर इसकी आदर्श को लेकर के, इसकी शिक्षा को लेकर के अगर तुम दुनिया में रहोगे ना, शांति और सुख में रहोगे। गीता भागवत का अनुरूप अगर चलोगे सुख शांति में रहोगे, अगर इसको छोड़ करके मन मर्जी चलाओगे ना, फिर दुखी दुखी रहोगे, फिर दुखी दुखी रहोगे। इसलिए भागवत हमारी माँ है, वेद हमारी पिता है, जो पिता माता हमारी पहला गुरु को दे, पिता माता पहला गुरु, इसलिए इनके आदर्श लेकर हमें चलनी चाहिए। ठीक है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। देखो हाँ, हम
मेरा इच्छा है, कल एक लड़के को मैंने बीच में खड़ा किया था ना, बोल रहा था हम एटा जाए, इसलिए और भी हम सोचते से अभी मैंने आया है, कुछ कथा सुनाई, भक्ति की भावना जगा, लेकिन आप देखना मैं चले जाने के बाद ना वो धीरे 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 फिर घटती जाएगी, फिर माला को एक तरफ रख लेंगे, भक्ति को एक तरफ रह जाएंगे, है ना। उदाहरण दिया जैसे किसी गमला में कोई पेड़ लगाया, वो पेड़ कब तक हरा भरा रहेगा, जब तक उसमें पानी, अगर पानी नहीं दो तो दो दिन बाद में सूख जाएगी। इसलिए बिनु सत सच का विवेक ना हो और राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। जब तक हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे धीरे धीरे ना, समझो वो जो लता बना दी है बढ़ेगी, अगर फिर उसमें पानी नहीं दोगे तो क्या वो सूख जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं जो कभी कभी हमारे मंदिर से कोई संत आ जाएगा, कभी मैं आ जाऊंगा और हम किसी भक्तों को नियुक्त करेंगे। हम यहाँ पर समझो महीना में एक बार हो, दो बार हो, कभी एकादशी का हो, कभी संडे हो, हम कोशिश करेंगे आप सारे भक्तों को बुलाने के लिए। बुला कर अगर हो सके तो अलग अलग घर में अगर करोगे तो अच्छी बात है, अलग अलग घर में अगर सत्संग करोगे, क्योंकि जिस घर में सत्संग हो, जिस घर में कीर्तन हो, कथा हो ना, वो घर नहीं, वो घर गोलोक वृंदावन बन जाती, घर गोलोक वृंदावन बन जाएगी, है, इसलिए घर का सारे दुख कष्ट चली जाएगी। अगर हो सके तो अलग अलग भक्तों को घर में लेना, नहीं तो इनका घर तो है ही है, कहीं अगर नहीं है तो इनका घर तो है ही है, ठीक है। हम चाहते हैं हर महीना में एक बार नहीं तो दो बार हम किसी भक्तों को भेजेंगे और आप लोग जरूर आना, थोड़ी सी हरि कीर्तन होगा, थोड़ी सी सत्संग हो जाएगी, जिसको भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। और मैंने बताया ना कल मैं जब दूसरा बार आऊंगा देखूंगा एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 व्यक्ति को भक्त बनाया, ठीक है ना। कल मैंने बताया ना भक्ति में अगर एक इसलिए ठीक है ना, इसलिए मैंने वहां कथा होती तब भी मैंने यहाँ क्लास दिया, क्यों आप लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, हाँ। इसलिए मैं जब दूसरा बार आऊंगा क्या देखूंगा एक एक व्यक्ति कितने कितने व्यक्ति को भक्ति में लाऊंगा, 10-10 कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा हो, बल्कि उसमें जो शराब होते हैं ना, अब देखना जो शराब पीता है वो भी चाहते हैं ग्रुप को बढ़ाने के लिए, बोलेगा अरे थोड़ा पी लो, बोले नहीं हमारा परिवार को नहीं पीता, बोले रोज थोड़ी पीता हूँ, तो कभी कभार तो पीता हूँ लोग फिर एक टिफिन खोल कर खिलाते, दूसरे दिन अगर पी लो, बोले नहीं यहाँ कोई नहीं पीते, बस अपना पकेट से पिलाते, आदत बन गया निकाल पैसा निकाल पकेट से पैसा निकाल है, इसलिए वो भी अपना ग्रुप बढ़ाना चाहते हैं। और जो सिगरेट फूंकते बोले एक बार फूंक मार लो, बोले नहीं, बोले रोज थोड़ी फूंक मारते एक बार लो, बस वो भी अपना ग्रुप बढ़ा। जब नरक की रास्ता खाली करने वाले व्यक्ति करते हैं जाने के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता का श्लोक कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये जितने बच्चे जीव है ना वो मेरे संतान है, वो सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो मेरे को भूलने का वजह से दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, मैं उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, मेरा बेटे को जो भूले भट्टे को अगर कोई मेरे पास मिले कृष्ण कहते हैं वो सबसे ज्यादा मेरा प्यारा है। कृष्ण खुद कहते हैं जैसे तुम्हारी एक बेटा कहीं खो गया, तुम्हारी बहुत अथाह संपत्ति, लेकिन वो मारे मारे भटक रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, अगर वो बेटे को कोई ढूंढ ढांड करके तुम्हें ला देगा आप कितने खुश होंगे कि नहीं। हाँ, इसलिए ये जगत का बेटा हम तो असली बेटा है भगवान की, इसलिए भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं जो भगवान की जीवों को ठाकुर के पास मिल रहा है, ठीक है ना, करोगे नहीं। और एक काम करना, आप लोग जो इधर रहते ना आप लोग अपना नाम और अपना फोन नंबर दे दो, जैसे उन्होंने मैसेज कर देंगे, ये लोग मैसेज कर देंगे कहाँ पर ये सत्संग होगा, कहाँ पर हरि कीर्तन होगा, मैसेज कर देंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा, फिर आप लोग इनके घर में हो, नहीं तो अगर कोई अपना घर में भी कोई सत्संग कराना चाहता है, किसी घर में हो, देखो मैंने आपको पहले कथा सुनाई थी ये सत्संग से क्या लाभ है, ये सही घटना है। एक व्यक्ति था, आप लोगों को याद है, एक व्यक्ति था बड़ा कंजूसी है, एक पैसा भी पकेट में से नहीं निकले, केवल पैसा जोड़े जोड़े जोड़े, और डर से सत्संग में भी नहीं जाता है, क्यों सत्संग में जाने पर 10-20 रुपए देना पड़ेगा, उसने केवल जोड़ते जोड़ते रहा, कहीं दान पुण्य कुछ नहीं किया। अभी धीरे धीरे उसका बेटा भी जन्म लिया,
उसके अंदर भी वही स्वभाव है, यही स्वभाव हृदय में शुष्क हो गया, कोई दान पुण्य की कोई बात नहीं, केवल पैसा पैसा जोड़ो, फिर हृदय से दया खत्म हो गई, घर में बहू भी आई, धीरे धीरे बच्चों का स्वभाव बहू के अंदर में भी गई, एकदम सही घटना है, पुरानी कथा है, बहू का अंदर में उसका भी धीरे 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 पति का स्वभाव आया, कहीं भी एक पैसा जाना नहीं, केवल जोड़ो जोड़ो जोड़ो, अभी धीरे धीरे जब पिता माता बहुत पैसा जोड़ कर पिता माता बच्चों को पता चला पिताजी इसी घर में सारे संपत्ति रखे हैं, लेकिन जब धीरे 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 उनका हृदय से दया खत्म हो गई, जब बुढ़ा बुढ़ी हो गई ना उनको पिता माता, अभी सारे बच्चे सोच रहे बुढ़ा बुढ़ी कब मरे, और इनका संपत्ति जो इतना कब हम संपत्ति मिली, अभी पिता माता को बड़े अनादर करते, क्यों कोई साधु संग गए नहीं, हरि कथा सुने ही नहीं, उसके हृदय में दया नहीं आई, उनके हृदय में कोई दया सुखा है, उसको धीरे धीरे उसका दंड पिता माता को भुगतना पड़ता है, अभी सोचे ये कब मरे और बड़े अनादर करते हैं। एक दिन दोनों पिता माता बहू और बच्चे को बुलाए, देखो बच्चों तुम लोगों के लिए मैंने कोई अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं, केवल पैसा तुम्हारे लिए जोड़ते जोड़ते रखा, लेकिन मैं देखता हूँ तुम लोग बड़े अनादर मुझे करते हो, इसको देख करके मेरे को बड़ा कष्ट होता है, जो बेटा और बहू मेरी अच्छी सेवा करेगा उसको मैं संपत्ति दूंगा। बात तीनों बेटा सुन करके तीनों ही चले गए और एक घर में मीटिंग बुलाया, बोले देखो पता नहीं पिता अन्याय को किसको काम किसका जा, एक काम करो ये दोनों को तीर्थ यात्रा में भेज दो, जब चले जाएंगे फिर इसी घर में सारे माल और उसको ताला तोड़ करके सारे संपत्ति बांध लेंगे। ओ बहू बेटे आए बोले पिताजी वृद्ध हो गए हो, वृद्ध उम्र थोड़ा तीर्थ करने चाहिए, जाओ हम व्यवस्था कर देते हैं, तीर्थ करके आ जाओ, आपके लिए गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था कर देंगे। इनकी भावना देख रहे वृद्ध आदमी, उनने देखे बच्चों का छात्रा बुद्धि सुधर गई है, बोले गाड़ी घोड़ा की कोई जरूरत नहीं, पैसा लगेगा, हम दोनों चलते चलते तीर्थ में जाएंगे, चलते चलते तीर्थ में चले जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, आपको साथ में पैसे माता जी भेज देते हैं जो कि आपको खाना बना कर खिलाएंगे। अभी गए एक गाँव से जाकर जब दूसरे गाँव में गए उसी बात को ताला तोड़े, तोड़ करके जितना वो संपत्ति था ना सारे संपत्ति को लूट करके तीनों बच्चों ने बांट कर ले लिया। उसी गांव का एक व्यक्ति किसी कारण से दूसरे गांव को जो गए उनको देखे बोले तुम लोग तो तीर्थ में आ गए, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चों ने सारे सिंधु सारे ताला तोड़ करके सारे पैसा को लेकर बांट लिया, सारा जीवन का पैसा को जोड़ते जोड़ते रखे थे, इतने दुखी रोने लग गए। इतने में अभी उनको साथ में जो थी वैष्णव भी वो तेरी अच्छी भावना की थी, बोले देखो जिंदगी भर तुम लोगों ने कंजूसी किया है, मैंने पहले बताया था ना कि जो पैसा लक्ष्मी, ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी की है, अगर वो ठाकुर जी को सेवा में नहीं लगता है तो उसको खुद भोग करने चाहोगे, मैं खाऊंगा मैं पहनूंगा, तुम्हारे घर में कभी वो शांति सुख नहीं देगा, क्योंकि लक्ष्मी को तुम भोग नहीं कर सकते, लक्ष्मी ठाकुर जी की, वो तभी प्रसन्न होती है जब ठाकुर की सेवा में लगेगी, नहीं तो घर में खुरापात लाएगी, दुख ही दुख ही घर में लाएगी हैं। अभी उसने बड़े दुखी हुए, फिर उन्होंने साथ में वैष्णव भी समझाया, देखो जिंदगी भर केवल कंजूसी कंजूसी की, सत्संग में भी कहीं नहीं, इसलिए बच्चों का हृदय कठोर हो गया, बच्चों का हृदय कठोर हो गया, सत्संग में जाते थोड़ी सत्संग की बात सुनते फिर उनको पता चला पिता माता हमें जन्म दिया, पहले पिता माता की हमें सेवा करनी चाहिए, संस्कार बरती, दान पुण्य की स्वभाव बरती, आपने कुछ किया नहीं सब गया तुम्हारे, अभी घर में मत जाओ यहीं पर प्रभु का भजन करो। तो उन लोगों ने फिर कुछ दिन बाद मन बदल गया, बोले नहीं जो कुछ हो तो बच्चे है ना हमारे, चलो उसको साथ में जो वैष्णवी थी ना, बोले अभी जाओगे तो सारे पैसा तो लूट कर ले गए, अभी जाओगे ना जान से खत्म कर देंगे तुम, बोलोगे पर जान से खत्म कर दे, खबरदार मत जाओ। तो वो तो पहले से बढ़िया थे, तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोला, दुकान खोल करके उसमें जो लाभ होता था रोज रोज कुछ पैसा ठाकुर की सेवा में और एक संतों की सेवा में, रोज रोज एक संतों की सेवा करते रहे, और वहां पर पास में कोई संत रहते थे जाते थे हरि कथा सुन करके भजन जीवन को उन्होंने मुक्ति के मार्ग पर चलाया। इसलिए अगर सत्संग होगा घर में बच्चे भी परिवर्तन होंगे, उनके अंदर में
संस्कार पड़ेंगे, नहीं तो नास्तिक इतने बच्चे बनेंगे ना, डंडे मारेंगे तुम्हें, तुम्हारी डंडे और कुछ नहीं पड़ेगा। अगर भक्ति करोगे, सत्संग करोगे, बच्चे संस्कार बनेगा, पहले सोचेगा पिता माता की हम सेवा करें, लाभ सबसे पहले हमारी होगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए सत्संग करो, हरि कथा सुनो, भजन करो, जिससे जीवन हमारी शांति सुख बने। इसलिए हम चाहते हैं महीना में नहीं तो 15 दिन में कोई भक्त आए, आपको थोड़ी कीर्तन हरि कथा सुनाए, ठीक है, हरि कथा कीर्तन सुनाए, और धीरे धीरे प्रभु का भक्ति करो और जीवन में सुखी रहो, ठीक है। हाँ खड़े हो जाओ, 2 मिनट कीर्तन करने खड़े हो। हाँ और एक बात है, आप लोग का जो नाम है ना, आप लोग का जो नाम और जो फोन नंबर वो कहाँ गया? मदन मोहन, मदन मोहन कहाँ? मदन मोहन इधर, कॉपी और पेन ले आओ, और इनका फोन नंबर नाम लिख लो, इनको मैसेज कर देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सुदामा आ जाओ, सुदामा हरि बोल, सुदर कुमार हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Thank you.
Radhe Radhe